हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल क्योरेन में। आज हम बात करेंगे इंसानी शरीर की अनसुलझी गुत्थियों के बारे में। दरअसल इंसानी शरीर की संरचना बहुत ही पेचीदा है, जिसे और बेहतर समझने के लिए वक्त वक्त पर बहुत सी रिसर्च होती रहती है। इन्हीं रिसर्च का असर है कि हम आज कैंसर और एड्स जैसी लाइलाज बीमारियों के इलाज खोजने में सक्षम हो पाए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंसानी शरीर के बहुत से ऐसे भाग हैं जिन पर रहस्य लगातार बना हुआ है और इनके जवाब खोजे जा रहे हैं। जैसे कि हमें सपने क्यों आते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स क्यों होते हैं, सभी के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं, ऐसे कई सवालों का कोई पुख्ता जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। वैज्ञानिक समूह अभी भी इन जैसे तमाम शारीरिक हिस्सों पर अध्ययन कर इनकी संरचना और इनकी ज़रूरतों पर चर्चाएं कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के जरिए हम शरीर के ऐसे हिस्सों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके होने और उनकी कार्यशैली व महत्ता पर लगातार रिसर्च जारी है। दरअसल सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फिंगरप्रिंट्स के बारे में। जी हाँ, कि हमारे फिंगरप्रिंट्स क्यों होते हैं। दरअसल रंग, सूरत और बालों के अलावा फिंगरप्रिंट्स भी हमारी सार्थक पहचान बताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर हमारे फिंगरप्रिंट्स होते क्यों हैं? क्यों ये उंगली के ऊपरी हिस्से पर होते हैं? आखिर क्यों ये किसी दूसरे के मेल भी नहीं खाते? क्योंकि बहुत सालों तक वैज्ञानिक ये समझते रहे हैं कि फिंगरप्रिंट्स इंसानों की हाथ की पकड़ को मजबूत बनाते हैं। लेकिन अब ये थ्योरी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि ये साबित हो गया है कि किसी चीज़ को पकड़ने के लिए फिंगरप्रिंट्स का कुछ काम नहीं होता, बल्कि किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए फिंगरप्रिंट्स की वजह से स्किन कम कॉन्टैक्ट में आती है। जबकि वहीं कुछ रिसर्च में सामने आया है कि फिंगरप्रिंट्स प्रोटेक्शन के साथ साथ हमारी टच सेंसिटिविटी बनाए रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपेंडिक्स के बारे में। जी हाँ, अपेंडिक्स का दर्द असहनीय होता है। हालांकि इससे निकाले जाने के बाद शरीर पर कोई असर नहीं होता, लेकिन अपेंडिक्स जितना सरल दिखता है उतना ही ये जटिल भी होता है। वहीं कई सालों तक चार्ल्स डार्विन के ज़माने से भी सहमत है कि पौधे खाने वाले मानव पूर्वजों को पाचन के लिए अपेंडिक्स की आवश्यकता होती है। ये केवल विकास से ही बचा था और आधुनिक मनुष्य के लिए कोई वास्तविक कार्य नहीं था। हालांकि हाल ही में एक वैज्ञानिक समुदाय में एक और सिद्धांत पॉपुलर हो रहा है, और वो है ट्यूब जैसी अंग वास्तव में अच्छी बैक्टीरिया को स्थान देता है और इसकी रक्षा करता है। इसके अलावा अब बात करते हैं हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हमारे हाथ ही क्यों होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे अगर बात करें तो हम में से कुछ लोग काम करने के लिए सीधे हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बाएं हाथ का, और इसी से हमारी पहचान भी होती है हम लेफ्टी हैं या फिर राइटी। लेकिन जब हम इसके बारे में गहन रूप से सोचते हैं, बहुत गंभीर से हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे पास एक हाथ है जो दूसरे की तुलना में काफ़ी बेहतर कार्य क्षमता के साथ है। ये थोड़ा सा अजीब लगता है, हम दोनों हाथों को पूर्ण तरह से काम में क्यों नहीं ले पाते। इंसानी शरीर की सबसे बड़ी जटिलता तो यही है। बेशक कुछ लोग हैं जो समान कौशल के साथ दोनों हाथों का उपयोग कर सकते हैं। वैसे अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि हमारा जो सीधा हाथ होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है, जबकि हमारा जो उल्टा हाथ होता है उसमें कम ताकत होती है। ये हम नहीं बल्कि साइंस, थ्योरी और इसके अलावा पूर्वज भी यही बात मानते आ रहे हैं। इसके अलावा अब एक सवाल ऐसा है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग सोचते रहते हैं, और वो ये है कि हमें उबासी क्यों आती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माँ के गर्भ से ही हम उबासी लेना सीख जाते हैं। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों के पास ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है हम ऐसा क्यों करते हैं। हालांकि एक सिद्धांत के अनुसार हम अपने दिमाग के तापमान को कंट्रोल करने के लिए उबासी लेते हैं, क्योंकि नींद की कमी या बोरियत हमारे मस्तिष्क के तापमान को छोड़ने का कारण बन सकती है। जबकि एक थ्योरी ये भी है कि हम अपने शरीर को झटका देने के लिए जम्हाई लेते हैं, क्योंकि हमारे दिल की दर की वृद्धि होती है, और जब हम उबासी लेते हैं तो हमारी आँख की मांसपेशियों में तनाव होता है। इसके बाद एक सवाल ये भी है जो बार बार खड़ा हो जाता है, और वो ये है कि सारे ही लोग एक जैसे क्यों होते हैं। अब इसे सोचकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।
सभी का वैसे रहन सहन, काम करने का तरीका, यहाँ तक कि हर इंसान की दिनचर्या भी एक जैसी होती है, लेकिन फिर भी किसी इंसान का ब्लड ग्रुप अलग अलग प्रकार का होता है। विभिन्न रक्त प्रकारों के अलग अलग संक्रमणों से लड़ने के लिए अलग अलग क्षमता होती है और साइंटिस्ट का मानना है कि वो 20 लाख साल पहले मानव पूर्वजों और अन्य एप्स में विकसित होना शुरू हो गया था। शोधकर्ताओं की मानी जाए तो कुछ संक्रमणों के खिलाफ कुछ रक्त प्रकारों के लिए प्राकृतिक चयन के साथ संयुक्त विकास ने मानव रक्त के प्रकारों की अनोखी विविधता का उत्पादन किया जो हम इस युग में देखते और पहचानते हैं। लेकिन अभी भी तरह तरह के ब्लड ग्रुप होने के पीछे का कोई निश्चित सिद्धांत सामने नहीं आ पाया है, इसीलिए सभी को अपने ब्लड ग्रुप की पूरी जानकारी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये तो आप जानते ही होंगे कि हम सभी को रात में सोते समय सपने आते हैं। इसके बारे में हेल्थ एक्सपर्ट क्लेब बेक कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन के लगभग एक तिहाई वक्त में सोते हैं, फिर भी साइंस को अभी भी बहुत कम समझ है कि हम कैसे और क्यों सपने देखते हैं। असल में ऐसा माना जाता है कि सपने नींद के दौरान आते हैं और साथ ही साथ सपने देखते हुए हमारा दिल भी जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन हम इस बात के बारे में अनिश्चित हैं कि सपने देखने का उद्देश्य क्या है। एक लोकप्रिय सिद्धांत से पता चलता है कि सपने देखना ये है कि आपका दिमाग दिन की यादों के माध्यम से कैसे निकलता है, ये तय करता है कि कौन सा हिस्सा आपके लिए मूल्यवान है। जबकि अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि सपने देखने में कोई वास्तविक कार्य नहीं हो रहा होता है और ये हमारे जागरूक दिमाग से अनजान होने पर हमारे बेहोश दिमाग में चल रहा होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इंसानी शरीर की संरचना बहुत ही जटिल होती है। मनुष्य के पास उनके शरीर में इतने सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि वास्तव में हमारे शरीर के वजन के कुछ पाउंड के लिए खाते हैं। उनमें से बहुत से होने के अच्छे कारण हैं कि वह हमारे पाचन में सहायता करते हैं, वह हमारे चोट लगने पर घाव ठीक होने में मदद करते हैं या वो बीमारी से लड़ते हैं। हालांकि अभी भी हमारे शरीर में ऐसे बहुत से वायरस या सूक्ष्म जीव हैं जिनकी पूरी जानकारी हमें अभी तक नहीं मिली है और ना ही साइंस इस बारे में पूरी जानकारी जुटा पाया है जिसके बारे में हम पूरी तरह से जान सकें। लेकिन ये बात भी है कि वायरस अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो कई बीमारियों से लड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं और जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। लेकिन अगर रिसर्च की मानी जाए तो अभी इस बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है कि कब और कैसे ये हमारे शरीर में काम करते हैं और किस तरह के वायरस हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से मायनों में मानव शरीर चिंपंजी जैसे अन्य प्राइमेट्स के समान ही होते हैं और साथ ही उनके पास बहुत ही समान मांसपेशी संरचनाएं हैं। इसके बावजूद हमारे निकटतम प्राइम रिश्तेदार हमारे मुकाबले करीब 1.35 गुना मजबूत हैं। हमने अन्य प्राइमेट्स की तुलना में अधिक धीमी गति से मांसपेशियों के फाइबर विकसित किए हैं जो कम शक्तिशाली मांसपेशी फाइबर हैं। हालांकि ये मांसपेशी फाइबर मनुष्यों को अन्य प्राइमेट्स की तुलना में अधिक धीरज रखने में मदद करते हैं। उन्होंने शिकार और फोर्जिंग जैसे शुरुआती मानव व्यवहार को सक्षम किया है। आज के वो एक कारण है कि एक आदमी एक मैराथन चला सकता है जबकि एक बंदर नहीं ऐसा कुछ कर सकता। लेकिन उन सभी मानवीय समानताओं के बावजूद शक्ति असमानता अभी भी वैज्ञानिकों को परेशान करने के लिए काफ़ी है। ऐसे में अगर आप अपनी मानव कमजोरी के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि मानव शरीर अभी भी हर एक मिनट में अविश्वसनीय चीज़ें करता है। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि साइंटिस्ट का मानना है कि शक्तिशाली भावनाएं वास्तव में विभिन्न लोगों के मस्तिष्क की गतिविधियों को एक साथ सिंक करने का कारण बन सकती है। इतना ही नहीं, रिसर्च से पता चलता है कि हंसी सामाजिक जीवों से जुड़ी होती है और मनोवैज्ञानिक ने पाया है कि सामाजिक परिस्थितियों में मनुष्य के हंसने की लगभग 30 गुना अधिक संभावना है। जबकि वर्तमान सिद्धांत से पता चलता है कि हंसी संक्रामक है क्योंकि इंसान सहानुभूतिपूर्ण जीव है। जब हम हंसते हैं तो हमारे दिमाग एंडोफिन नामक केमिकल जारी करता है। ये रसायन हमें सुरक्षित और आसानी से महसूस हो जाता है। अब ये तो हम जान ही गए हैं कि हंसना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि हंसी से हम अपने आप को
सेहतमंद बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं और साथ ही हम बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑफिस में होते हैं तो हम तनाव को दूर कर सकते हैं, स्ट्रेस से बचे रह सकते हैं और हंसी हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा भी होना चाहिए, क्योंकि हंसी हमारे जीवन की सारी दुविधाओं को ख़त्म कर सकती है। हमारी हंसी निश्चल होनी चाहिए, किसी से छल कपट वाली हंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हंसी से हमारे शरीर को बेहिसाब फायदे होते हैं और हंसी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी उम्र को थोड़ा लंबा हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो आज की वीडियो में हमने बताया है कि इंसानी शरीर की वो गुत्थियाँ जो आज तक नहीं समझी है, ना ही रिसर्च में इसका पता चला है और ना ही लोगों के सामने अभी तक इनके बारे में कोई जानकारी आई है, बल्कि ये कुछ ऐसे तथ्य थे जो अभी तक रहस्य बने हुए हैं, लेकिन इनके बारे में जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी होगा और जितना जल्दी हो सकता है साइंस भी इसके पीछे लगी हुई है कि इन रहस्यों को किस तरह से सुलझाया जाए। और जैसे ही इन रहस्यों को सुलझाया जाएगा तो लोगों के सामने ये सारी चीज़ें सामने होंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और ऐसी ही हर जानकारी को पाने के लिए और ऐसी ही हर जानकारी को तुरंत जानने के लिए हमारा चैनल क्योरेन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest updates.